क्या आपको पता है कि देश के किस बैंक के पास सबसे ज्यादा अकाउंट है, कौन सा बैंक सबसे ज्यादा लोगों का खाता होल्ड करता है, और तो और आपका खाता जिस बैंक में है उस बैंक को कितनी रेटिंग्स मिली हैं? आपके इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। देश के 5 कमर्शियल बैंकों के पास 50% डिपॉजिट है। आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी, देश के टॉप 10 बैंक में से 7 बैंक सरकारी है जिनके पास देश में डिपॉजिट होने वाला 75% पैसा रहता है। एक डेटा के मुताबिक इंडियन कमर्शियल बैंक से जमा किए गए हर 100 रुपए के लिए सरकारी बैंकों का हिस्सा 62 रुपीज का है। निजी बैंक को लगभग 32 रुपए जमा किए जाते हैं, विदेशी बैंकों में 5 रुपए और 1 से कम की राशि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स में जमा करी जाती है। हालांकि स्मॉल फाइनेंस बैंक कमर्शियल बैंक से ज्यादा रिटर्न्स देते हैं, और तो और केवल देश के ही 0.8% भारतीयों की सेविंग्स इन खातों में जमा होती है। अब आपको बताते हैं कि किस बैंक के पास सबसे ज्यादा ग्राहक है। इस सूची में सबसे ऊपर नाम आता है HDFC बैंक का, जो कि मार्केट कैप के लिहाज से भारत का सबसे अमीर बैंक है। दरअसल HDFC लिमिटेड के मर्जर के बाद बैंक के मार्केट कैप में एक बड़ा उछाल आया है। HDFC बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,28,657.99 करोड़ का है। हालांकि 30 जून तक ये आंकड़ा 14.6 लाख करोड़ का था, जो अब इसमें काफी इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, HDFC बैंक मार्केट कैप के लिहाज से भी दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाला बैंक है। इसका करेंट मार्केट कैप जो चल रहा है वो है 11.61 ट्रिलियंस का। इसके बाद नाम आता है ICICI बैंक का। इसका करेंट मार्केट कैप इस समय जो है वो है 7.56 ट्रिलियन का। फिर नाम आता है देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक का, जिसका नाम है SBI। SBI बैंकिंग नेटवर्क के मामले में SBI काफी अव्वल है, क्योंकि इसकी देश भर में 24,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं और तो और 62,000 से अधिक ATMs हैं। बैंक का मौजूदा मार्केट कैप जो है वो इस टाइम है 6.77 ट्रिलियन का। चौथा बैंक इस लिस्ट में आता है कोटक महिंद्रा बैंक। बैंक के बारे में बताएं तो इस बैंक की कुल मार्केट कैप जो है वो है 3.48 ट्रिलियन की। और आखिर में आता है एक्सिस बैंक, ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इस बैंक की मार्केट कैप जो है वो है 3.28 ट्रिलियन की। किसी बैंक की मार्केट कैप से पता चलता है कि उसके पास कितने कस्टमर्स हैं। आपका खाता किस बैंक में, हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताएं। और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।